आजमगढ़ के अतौलिया थाना क्षेत्र के परानपुर गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद सील कर दिया गया। वहीं कोरोना से मृत व्यक्ति रघुनाथ के लड़के की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना संदिग्ध व्यक्ति रघुनाथ 15 तारीख को अपने गांव आया था। 3 दिन गांव में रहने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर अतौलिया स्थित रामनाथ धनंजय पीजी कॉलेज में क्वारंटीन में भर्ती किया गया, जहाँ हालत बिगड़ती देख उसे आजमगढ़ क्वारंटीन में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ 22 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आई रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बनाकर 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर बांस बल्ली आदि लगाकर पूरी तरीके से सील कर दिया गया, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा किसी को आने जाने की छूट नहीं होगी। वहीं पूरे गांव को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सैनिटाइज करवाया गया तथा गांव के अंदर रह रहे लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि लोग घरों से बाहर ना निकले, शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क का प्रयोग हमेशा करें। कृपा शंकर पांडे, आप स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ। ये सर, ये रघुनाथ जी कब आए थे यहाँ पे? रघुनाथ यहाँ 15 तारीख को आए हैं, लगभग 2:30 बजे। जी, और 15 तारीख को 2:30 बजे आए, तब से फिर रहे, 16 को रहे, 17 को फिर यहाँ से, 18 को सुबह इनको प्रॉब्लम हुआ तो ये गए PGI, वहाँ चेक कराए तो वहाँ से फिर इनको क्वारंटाइन किया गया रामनाथ धनंजय में। 18 को वहाँ रहे, फिर 19 को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए, चले गए आजमगढ़ में 19, 20 और 21 3 दिन रहे, फिर 22 को डेथ हो गई। सर, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आपके क्षेत्र में इसका क्या भय है, क्या हदसत है? भय तो सर व्याप्त ही है, और हम लोग मोदी जी का जो कार्यक्रम चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग और सारी क्रियाएँ, उन सबसे हम लोग बहुत खुश हैं और उनका पालन भी कर रहे हैं। और भय तो समझिए इतना व्याप्त है कि अब क्या कहा जाए, हर आदमी डरा हुआ है और सब लोग जो है अपने अपने घरों में बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई गलत कदम उठा रहा है। आज आपका गांव सीज किया गया है, कहां से कहां तक सीज किया गया है, लगभग इसके बारे में बताइए। सर, हमारे दरवाजे से और इधर सैले सिंह जो मेन रोड जाता है अतरौलिया के लिए, उस मेन रोड तक पीछे अध्या डॉक्टर एक हैं, उनके घर से ये सारा पूरा सील हो गया। क्या आपको दिशा निर्देश दिया गया है कुछ कि आप कंटेनमेंट जोन के अंदर रहेंगे या क्या कहा गया? हाँ, क्या बताया गया सर आपको? उन्होंने बताया कि मतलब आप लोग अपने घरों में रहिए, कोई भी आदमी उधर न जाए, और एक दूसरे से हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, और कोई किसी से टचिंग ना हो, ये सारी चीज़ें हिदायत दे के गए।